जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एक मूर्तिकार की कहानी। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति को बनाने के लिए उस पर छेनी और हथौड़े से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, आह मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़े दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छेनी हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और उस पर छेनी और हथौड़े से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, आ मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार उस पर अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छेनी हथौड़ों से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है और यह दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है। और जब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। ऐसे लोग मार्केट में बहुत मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में बोलेंगे कि हमने भी किया है और हो सकता है उन्होंने किया भी हो, लेकिन मेहनत की भट्टी में आते ही वह टूट गए हों और असफल हो गए हों। इसलिए हमें किसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ डट कर मेहनत करनी चाहिए। आपको यह मेरी वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।